शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेहंदी लगाना तो बस एक बहाना है, कुछ और ही चल रहा है इसके दिमाग में। अब तक तो इसके हाथ में जलन शुरू हो जानी चाहिए थी। आरती तुम कहाँ थी? भैया कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? चलो शगन की मेहंदी तुम ही लगाओगी उसे। जी मम्मी। क्या हुआ रोशनी? रोशनी अबे बहुत चल रहा है मुझे। पता नहीं अबे ये मिलावट वाली मेहंदी बहुत चल रहा है, खुजली हो रही है बहुत। ये खुजली वाली मेहंदी इसके हाथ कैसे लग गई? ये वाली मेहंदी तो हटा दी थी मैंने, फिर इसके हाथ में कैसे लग गई? जो कुछ भी हो रहा है ना ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी ही साजिश है ये। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रोशनी? ये खुजली वाली मेहंदी मैंने खुद हटा के रखी थी कि गलती से भी वो तुम्हारे हाथ में ना लग जाए, और तुमने उसे ही बदल कर वहां रख दिया अपने लिए। झूठ मत बोलो श्रद्धा। तुम जानती थी मुझे तुम्हारे इरादे पता है, इसलिए तुमने ऐन मौके पे आके मेहंदी बदल दी। रोशनी ये सोच मैं नहीं, ये सोच तुम रखती हो। तुम अभय को पाना नहीं हासिल करना चाहती हो, और किसी को पाने के लिए नहीं, खुद पर भरोसा होना सबसे जरूरी है। मगर तुम्हारे आंखों में सिर्फ नफरत की ही पट्टी चढ़ी हुई है। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। एक तो तुम्हारी वजह से अभय और मेरी सगाई नहीं हुई, और फिर अभय के नाम की मेहंदी भी खराब हो गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। श्रद्धा इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। श्रद्धा माता रानी ही जानती है कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा अभय पे हमारे परिवार पे विश्वास नहीं टूटा ना श्रद्धा? और ऊपर से ये रोशनी जिसकी हमेशा खुद की बत्ती गुल रहती हो, वो हमारे अभय की जिंदगी क्या रोशन करेगी? और एक ये हमारी श्रद्धा है जो अपने दुश्मनों तक का इतना ख्याल रखती है। इसमें दुश्मनी कहाँ से आ गई बुआ जी? अभय मेरे पति हैं और हमेशा रहेंगे। हालातों ने हमें कई बार अलग करने की कोशिश की है, मगर हमारी किस्मत की लकीरें हमेशा टूट रही हैं, और मैं हमारे रिश्ते को कभी कुछ नहीं होने दूंगी।
रोशनी, अब कैसा है तुम्हारा हाथ, जलन कम हुई? नहीं अभय, बहुत जल रहा है। ठीक हो जाएगा अभी। ठीक नहीं, उल्टा बर्बाद हो गई इसकी मेहंदी। आपका हाथ तो बहुत ज्यादा लाल हो गया, बहुत जलन हो रही है ना। एक काम करते हैं, इस पर ना कोई दवाई लगा देते हैं जिससे जलन कम हो जाए। अरे वो खुद डॉक्टर है, उन्हीं को पता होगा कि किस दवाई से आराम मिलेगा। दवाई की जरूरत नहीं है, ये नारियल का तेल है, इसे लगा देती हूँ, जलन कम हो जाएगी। अब ठीक लग रहा है? हाँ। घर के सारे नुस्खे पता है तुम्हें? रोशनी को भी शांत कर दिया तुमने। अरे इन समय तो तुम्हारी मेहंदी अधूरी रह गई। हाँ तो तुम हो ना, लगा दो श्रद्धा के हाथ में मेहंदी। हमारा मतलब था कि रोशनी लगाए चाहे तुम लगाओ, बात तो एक ही है। और वैसे भी हमारी होने वाली बहुरानी को थोड़ा आराम करने देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ऋतु, अब है तुम ही श्रद्धा की मेहंदी पूरी कर दो। जी आओ श्रद्धा। डिजाइन क्या बनाओ? मैं देखता हूं। सॉरी यार वो कुछ सूझा नहीं हुआ। तो बचपन वाले सूरज पहाड़ बना दिए। इसे कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन श्रद्धा के साथ इसका बचपन हमेशा जिंदा रहता। अच्छा लगेगा। अभय, अभय, किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। अरे श्रद्धा ने अभय के हाथ में शगुन की मेहंदी लगा दी। हाँ भाभी, हम तो आए थे तुम्हारे पास तुम्हें चेतावनी देने कि तुम्हारा नाम अभय के साथ तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक अभय के साथ श्रद्धा का नाम जुड़ा हुआ है। वही हो रहा है, मैं आंखों से देखो अपनी खुशी जाते हुए। नहीं जाएंगी, क्योंकि अभय को पाने के लिए मैं श्रद्धा तो क्या पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। मेरी और अभय की शादी तो होके रहेगी।
किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।